रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। 2.5 लाख खर्च होने के बावजूद भी इलाज ना हो सका। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के कारण मौत का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। वही परिजनों द्वारा भी अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लग रही है। ऐसा ही एक मामला भोपाल जिले के ग्राम पडरिया निवासी बद्री प्रसाद ने अनंत श्री हॉस्पिटल इंदरपुरी पर लगाया है। उनका आरोप है कि 5 दिन से उनकी पत्नी वती प्रजापति का इलाज जारी था, लेकिन देर रात कोरोना के कारण उनकी मौत हो गई। उनका यह भी आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा उनके शरीर पर जो जेवरात थे वह भी उतार लिए गए हैं। जब उन्हें डेड बॉडी सौंपी गई तो जेवरात नदारद थे। इस मामले को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए अस्पताल में हंगामा भी हुआ। इसके पश्चात उन्होंने थाना पिपलानी जाकर शिकायत की, लेकिन थाना पिपलानी द्वारा भी यह कहा गया कि लिखित में लेकर आइए, इसकी जांच की जाएगी। उनका यह भी आरोप है कि सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाए हॉस्पिटल के, जिससे इस बात का खुलासा हो सके कि मरीज के शरीर पर जेवरात है या नहीं। लेकिन जब अनंत श्री अस्पताल प्रबंधन से दूरभाष पर बात करना चाहिए तो उन्होंने फोन उठाना भी उचित नहीं समझा। भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। पति भाई, मेरा नाम बद्री प्रसाद प्रजापति। मैंने आनंद जिले में औरत मेरी मिसेज को भर्ती करी थी। 5 दिन तक भर्ती रही। 1.5 लाख रुपए ले लिए इनने मुझसे। इसके बाद भी मुझे कोई राहत नहीं दी। और आज जब कल 10 बजे रात के ख़त्म हो गई तो उनके जेवर और निकाल लिए इन लोगों ने। ये कंडीशन है साहब यहाँ की, आज आनंद श्री हॉस्पिटल की। आपने कहीं शिकायत करी है इसकी? मैंने शिकायत करी था तो आने वाले केला के लिख के लिए क्या हो? क्या चाहते हैं आप? ये चाहते हैं भाई साहब इसमें कैमरे लगे हैं, कैमरे की फोटो का वो की जाए। देखो आप, उसमें जो चोर है उसको सज़ा मिलना चाहिए साहब। हैं, ऐसा होता आप इनके 17 मरीज छोड़ देते, पहले रकम उतारेंगे या आप? ये ऐसा मुझसे बोलते हैं ये कि आपको रकम उतारना थी पहले। हैं, क्या मरने की गारंटी लेते हैं ये पहले या हमसे ऐसा बोलते हैं? और बोलो। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।